अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गैर अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30, तो चूज़ों को लिए खुराक डालनी है और उन्हें दवाई भी डालनी है, दवा भी डालते हैं। और आज जो है तो हमारी बाइक के ये वाले जो पार्ट्स वगैरह ये लगाए नहीं है, यहाँ पे इसी तरह पड़े हैं ये, यहाँ बाइक के टूल्स वगैरह आज बाइक की फिटिंग कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो जितनी देर बैटरी चलेगी चलाएंगे, बाद में दोबारा चार्ज करेंगे। इस तरह फिर पार्ट्स खुले हुए बाइक अच्छी नहीं लगती, तो ये भी टूटने का खतरा है। कल जो मैं सिरप लेके आया था तो उसे पानी में डाल के मिक्स करके तो चूज़ों को डालते जाके, ये हो गया आधा चम्मच सिरप का, तो इसे पानी में डाल देते हैं। चलिए जी, अभी इसे कर लेते अच्छी तरह से मिक्स, जगह अंदर मिक्स हो जाए। चले जाएंगे मिक्स। अभी तो मेरे ख्याल में नैंडा वगैरह कोई नहीं दिया होगा, तो तकरीबन देते हैं 1 बजे के करीब जाके, कल भी 1 बजे के करीब जाके दिया हुआ था, आज देखते हैं फिर कैसा अंडा देती है मुर्गी हमारी। वैसे तो अभी जो मैंने नोट किया कि एक ही मुर्गी अंडा देना स्टार्ट किया, तो बाकियों ने अभी कोई अंडा देना स्टार्ट नहीं किया, तो आज जब बाकी भी देंगी तो पता चलेगा कैसे अंडी देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक इन्होंने कोई अंडा वगैरह नहीं दिया, तो खुराक अभी थोड़ी सी डाल दी, थोड़ी खा ली, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर से और खुराक डाल देंगे। अभी बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकते हैं और उन्हें भी थोड़ा सा घूमने फिरने देते हैं। तो कल एक मुर्गी ने पूरा चक्का लगा लिया था, अगर आज भी लगाएगी तो आपको दिखाएंगे। देखें ये अकेली यहाँ पे पहुंची हुई है, बाकी सारे चूजे हैं वहाँ पे, तो ये अकेली यहाँ पे पहुंची हुई है। कोको कोको करते, कोको 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 कोको, इधर आ कोको कोको। इसका नाम मैंने ना कोको रखा हुआ, ये कोको करती रहती ना, मैंने कहा कोको नाम रख देते हैं इसका, कोको कोको कोको। अभी ये दादी की रजाई है, ऊपर धूप में ना सूखनी डालनी है, सूखनी कहते हैं या वैसे ही धूप पे डाल देते हैं, सर्दियों को अक्सर डालते हैं लोग। तो हमने तो रजाई लेना वैसे स्टार्ट की नहीं है, तो दादी अम्मा को दी है, तो वो अभी धूप में ना लटका देंगे। चले जी अब ठीक है, अभी हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलनी स्टार्ट हो गई है, वैसे धूप है लेकिन हवा भी स्टार्ट होगा। अगर घर बैठोगे और कोई काम नहीं करोगे तो फिर ये वाले काम करने पड़ेंगे, तो फिर मैं करता भी हूँ। ये लो, अभी मेरा दिल कर रहा है कि अपना हेलमेट पहनूँ और उस पर लगाऊँ अपना कैमरा और अपनी बाइक निकालूँ और निकल जाऊँ और एक लंबी सी गेड़ी लगा के आऊँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो काम भी करने वाले घर के काफ़ी ज़्यादा, तो वो करने हैं, तो देखेंगे जब फार्ग टाइम मिलेगा तो देखें जाते हैं कि नहीं जाते। ये देखिए आपने ऊँट, तो ये तकरीबन 6 मंथ बाद या 3-4 मंथ बाद ये आ जाते हैं, जब भी कोई उर्स वगैरह हो। अभी मुझे नहीं पता किस दरबार के लिए ये चंदा वगैरह इकट्ठे करने के लिए आए थे, तो अभी नहीं पता, लेकिन इस तरह यहाँ से गुजरते हैं, काफ़ी मरतबा देखे हैं। मैंने पहले भी कहा था जो लोग काम नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर ये काम है, तो वो करना पड़ेंगे, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो सोच लें ज़रा क्या करना है आपने। एक तो यहाँ पर मकड़ियों ने बड़ा तंग किया हुआ है हमें, बहुत सारा जाला बना देती है यहाँ। लगते हाथ अपने कमरे का भी चेक कर लेते हैं, मेरे कमरे में कुछ ज़्यादा ही जाला होता है, ये चेक करो भाई, मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ हैं। ये नीचे गिड़ी मकड़ी, यहाँ पे भी मकड़ी, यहाँ पे भी मकड़ी, यहाँ पे भी मकड़ी, कहाँ कहाँ लगाऊँ आपको मकड़ी। अभी मैं छत पे आया था, एक फाग था यहाँ पे बैठी थी, वो तो उड़ के चली गई थी वहाँ पे, और वहाँ से भी उड़ गई है, और एक फाग था बैठी है यहाँ पे, ये चेक करें कितने आराम से बैठी हुई है, बड़े आराम से बैठी हुई। चलो इसे बैठे रहने देते हैं। मैं देखने आया था चूज़ों ने अंडा दिया है क्या नहीं दिया, तो वो देख लेते हैं, कु 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 कर तो रहे हैं, देखते हैं अंडा दे रही है कि नहीं दिया। बड़े आराम से बैठी हुई है वो वहाँ पे, दूसरी भी यहीं पे बैठी थी, वो भी मुझे देख के उड़ गई है, ये बड़े आराम से बैठी हुई, धूप सेक नहीं बैठी, कुर तो लगी हुई है, जैसे लग रहा है अंडा दे दिया हो इस किसी ने, लेकिन मेरे ख्याल में कोई अंडा नहीं दिया। अभी तक फिलहाल कोई अंडा नहीं दिया, मुझसे भी आज रहा नहीं जा रहा, तो अभी एक मतलब फिर जाके देख लेते हैं कि अंडा दिया कि नहीं दिया। रोजाना माशाल्लाह से अंडे दे रही थी, जैसे भी छोटे भी थे, लेकिन एक होती है एक्साइटमेंट का अंडा दिया, तो अभी यार देखते हैं अंडा दिया कि नहीं दिया, काफी ज्यादा टाइम हो गया। फाख्ता जो इधर बैठी थी वो अब उधर जाके बैठी हुई है, इधर वाली अभी नहीं है यहाँ पे, एक चिड़िया यहाँ पे बैठती है आगे, तो ये भी रोजाना ही देखता हूँ इसे, गुलहरी वो भी यहाँ पे घूम रही है। छत पे जब भी आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे काफी ज्यादा नेचर के करीब हूँ, ये देखें गुलहरियाँ भी घूमती हैं, फाख्ता भी है, चूजे भी हैं, तो गुलहरियाँ भी दो हैं, चिड़िया भी यहाँ पे बैठी होती रोजाना,
तो इस तरह शाम टाइम भी काफ़ी सारा चिड़ियाँ जो हैं वहाँ जहाँ पे बैठी होती हैं। अभी मुर्गी हमारी बैठी हुई है अंडा देने के लिए, तो वेट कर लेते हैं इसका। मुर्गी हमारी ये वाली उठकर आ गई है बाहर, तो अंडा दे दिया होगा जी इसने। देख लेते हैं अंडा। अरे भैया अंडा दे दिया, फ्रेश फ्रेश अंडा, ताज़ा अंडा, तो वो भी छोटा अंडा। जो मेडिसिन हमने दी है सिरप वगैरह, तो उसका इतनी जल्दी असर तो वैसे होगा नहीं क्योंकि एक दिन ही हुआ अभी, तो देखते हैं कोई 5-6 दिन के अंडा कोई बड़ा होता कि नहीं होता। वैसे पहले दिन से भी छोटे अंडे दे रही है। ये मेरा कल वाला अंडा है, तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा अंडा है भाई, ये फिर भी ठीक है। वो वाला तो कल वाला, ये चेक करें ये कितना छोटा है, और ये तो लग भी रहा थोड़ा सा ना अंडा का। ये कलर चेक करें, इसका कलर चेक करें और इसका चेक करें, इसका कलर भी अच्छा है, ये तो बिल्कुल ही फालतू था। चले जी गाइस अभी चलते हैं, कल हम टाइल्स देख के आए थे तो वो अभी एक जो डिज़ाइन पसंद किया था वो लेके आते हैं, तो वो लगवाते हैं, तो बाद में जो बाकी के डिज़ाइन तकरीबन 3 वाशरूम है घर के, 3 वाशरूम में लगेंगी, अभी एक के लिए लेके आते हैं, बाकी की अभी डिस्कस करेंगे बाद में, डिसाइड करेंगे कि कौन सी लगानी है। टाइल्स खरीदनी है, पैमाइश का पता नहीं है कि कितनी खरीदनी है, तो अभी पैमाइश कर लेते हैं कि कितनी चाहिए। अपनी अपनी मर्जी होती है कि चीज़ ज़्यादा करवानी है, नीचे लिखवानी है, कहाँ तक लिखवानी है, तो वो अभी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर टाइल लगी हुई ना, तो वैसे मेरा जो कद है तो वो तकरीबन 5.7 होगा मेरे ख्याल में, 6 भी हो सकता है, तो ये देख लेते हैं ये कितना बनता है। तो यही लेके आते। ये वाली टाइल जो है सिलेक्ट की है, तो लाइट होगी दीवारें और डार्क होगा इसका फर्श, और ये बॉर्डर भी साथ ही। आज वाले अंडे को तोड़ के देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। ये निकला है जी अंडे के अंदर से, पता नहीं क्या चीज है ये चेक करें, कुछ भी नहीं है। दादी को भी दिखा देते हैं अंदर से ये निकला अंडे के अंदर, वहां निकलिया ये अंडा, तोड़िया अंडा। हाँ जी नहीं ये तो चिट्टे रंग की गुली है, देखो दे अंडा कितना गुली है अंडे की जर्दी। फाख्ता का बच्चा मुझे लग रहा है यहाँ पे बैठा है, तो अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है बड़े आराम से सुकून से, थका थका सा लग रहा है, पकड़ूं कि ना पकड़ूं से देखते हैं, पकड़ सकते हैं कि नहीं, अगर पकड़ लिया तो फिर दोबारा बिठा दूंगा। नहीं उठने लगा था, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, वैसे ज़्यादा उड़ नहीं सकता ये, अभी पकड़ते हैं इसे, अभी थोड़ा सा एक्टिव हो गया तो थोड़ा सा उसे बैठने देते हैं और जाके पकड़ते हैं उसे। मैं ज़्यादा उसे आप पिंजरे में कैद नहीं करेंगे, सिर्फ पकड़ेंगे थोड़ा सा खेलेंगे छोड़ देंगे। अभी वो वहीं पे बैठा हुआ है, तो कोशिश करके देख लेते हैं पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकते। पता उसे चल गया कि इधर आ रहा है कोई, तो चलना स्टार्ट कर दिया उसे, अब बैठ गया सुकून से, इधर ही देख रहा है मेरी तरफ, आराम आराम से इसकी तरफ चलते हैं, आराम आराम से नीचे बैठ के चलते हैं, नीचे बैठ के अभी उसका ध्यान तो उसी तरफ होने देते हैं। चलो नहीं इधर ही देख रहा अभी ना, यहाँ से थोड़ा सा लगाते हैं टाइम, उसका ध्यान अभी मेरी तरफ ही है, तो उसे पकड़ना है अभी। चले अभी करीब होते हैं, और भी उसे चल गया पता, अभी देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। उड़ गया उड़ गया यार, ये इतनी आसानी से हाथ मारने वाला है नहीं, जितना मैं समझ रहा था ना उतनी आसानी से हाथ आने वाला है नहीं, काफ़ी ज़्यादा चलाक है। पहले वहाँ पे पकड़ सकता था, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर दी है, अब बहुत ज़्यादा एक्टिव बैठा हुआ है ये बच्चा है। ज़्यादा ऊँची उड़ान जो है उड़ नहीं सकता, इसने यही है कि एक छत से दूसरी छत तक जा सकता है, तो अभी जिस यहाँ पर बैठा ना यहाँ से अगर उड़ा ना तो फिर दूसरी छत पर चला जाएगा, तो फिर तो ऐ नहीं हमारे जो है जाल से निकल जाएगा। अभी घर के अंदर है तो इसे थोड़ा सा बैठने दोबारा देते हैं और आखिरी ट्राई लगाते हैं, अगर पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठा ही है। अभी ये यहाँ पे बैठ गया हमारे गीज़र के ऊपर जाके,
तो एक लास्ट कोशिश करके देख लेते हैं आता हमारे हाथ के नहीं आता। तैयार हो गया है यहाँ से उड़ान भरने के लिए और मुंह भी हमारी तरफ कर लिया इसने। नहीं पकड़ा गया, अब दूसरी छत पे चला गया। तो खैर अभी यहाँ पे जाके बैठ गया।